कर देगी भाई वो। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार मानना चाहूंगी कि उन्होंने पहली बार महिला, वो भी महिला ही नहीं लेकिन युवा नेता को मौका दिया और मैं अनकंटेस्टेंट पहले जिला पंचायत में आई और अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट में भी मौका दिया गया और हमारा इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट में, वो भी हम 16 सीटों में से 13 सीट हमारी आई और मुझे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और मेरे जिला पंचायत के सभी मेंबर्स को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, उनके वोट दिए और मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया। धन्यवाद। आभार। सबसे पहले मैं मेरी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और प्रेसिडेंट के सीट पर जहाँ तक मुझे बैठाया वहाँ पर जो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज इस स्थान पर बैठा दिया, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक मेरी पार्टी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जो जीते हुए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी से 16 सीटों में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आए थे, उनमें से बहुमत थी हमारी, फिर भी यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया हुई, उसमें निर्दलीय का भी हमारे साथ में समर्थन रहा, इसलिए 16 का 16 वोट हमें सपोर्ट मिला है। इसके लिए मैं जीते हुए सभी कैंडिडेट का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जितना अभी आगे जो भी रणनीति रहेगी हमारी पार्टी की, उसके ऊपर सबको साथ लेकर के हम आगे का जो गांव का विकास है वो कैसे करना, पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग गांव-गांव जाकर जो भी काम जनता का बाकी है उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और वही विश्वास पर हम आगे चलेंगे। के 29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।